चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। इस चुनाव में कई सितारे जमीन पर उतरे हैं, कुछ ऐसे सितारे हैं जो चुनाव के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कुछ ऐसे सितारे हैं जो अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही एक सितारे हैं राजू श्रीवास्तव, जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और इन दिनों देश भर में घूम घूम कर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। आज राजनाथ सिंह के लिए लखनऊ लोकसभा सीट पर वो वोट मांगने आए हैं, जनता से अपील करने आए हैं। तो आज हम राजू श्रीवास्तव से मिलेंगे और देखेंगे कैसी है उनकी प्रचार की शैली। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सियासी दलों के बीच कड़वाहट भी बढ़ती जा रही है। इस कड़वाहट में अगर जनता के बीच गजोधर भैया पहुंच जाएं तो माहौल खुशनुमा हो जाता है। हो भी ऐसा ही रहा है। गजोधर भैया फिल्मी पर्दे और टीवी स्क्रीन छोड़कर इन दिनों वोट मांगने के लिए गली गली भटक रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है गजोधर भैया को, पहले तो ये बताइए। मुझे जो समर्थन मिल रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन मोदी जी को पूरे देश का समर्थन है। और मैं इस वक्त उड़ीसा, बंगाल, जम्मू, महाराष्ट्र, ये सारी जगह प्रचार करता हुआ और लखनऊ पहुँचा हूँ। मैं शुरू में तो हंसाने की बात करता हूँ, लेकिन बाद में मैं गंभीर होके फिर वोट मांगता हूँ बीजेपी के लिए, जिसका कि बहुत अच्छा। अब आती हूँ राजनीति पर, क्योंकि आप अलग, आपकी भूमिका समय नज़र आ रही है। आपने बताया कि आप अलग अलग राज्यों में होते हुए आए हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, जहाँ से इस समय आप हैं। आप उत्तर प्रदेश के ही हैं, इस समय आप प्रचार भी कर रहे हैं, यहाँ की क्या स्थिति लग रही है? यहाँ कितनी सीटें आएंगी, मुझे तो लगता है जो जैसे मैं मिला सबसे और लोगों में जो उत्साह देखा, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की 81 सीट आ जाएंगी। 81 सीट। अच्छा, गजोधर भैया को लगता है बीजेपी की 81 सीट, यानी बीजेपी के नेताओं को आपने पीछे छोड़ दिया। 81 सीट इसलिए आएंगी, देखिए सीट तो 80 है, एक सीट बढ़ जाएगी जब हम जैसे लोग प्रचार करने उतरेंगे, तो एक सीट हमारी वजह से बढ़ जाएगी। हमारा कहने का मतलब है कि हम पहले से बेहतर पोजीशन में हैं, जो 74 का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं तो उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है। और गठबंधन का जो आप पूछ रही थी, अब जितनी मुझे समझ है राजनीति की, हमने कहा ये वही पार्टियां हैं जो पहले एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाती थी, हाँ एक दूसरे को पानी पी पी के कोसते थे, दुश्मनी थी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि साथ में आना पड़ा उनको? और पहले तो साथ भी नहीं बैठते थे, साथ मिलते भी नहीं थे, है ना? तो लेकिन इस साथ से कहीं मुलायम सिंह यादव जी खुश नहीं है, आपको लगता है? हाँ, मुलायम सिंह जी तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए और सरप्राइज होके वो अब आखिर कब गए और कब गया के माँ तो मुलाकात करी, हमें बताए, हमें कछु जानकारी नहीं, अब जाके गठबंधन कहेगा गठबंधन, अब गठबंधन हो गया गठबंधन, हम घर पे बैठे बहू से पूछा, हमें बहू से, हमें कहा अखिल कहाँ, अखिल नहीं दिखे, अखिल कहाँ, वो गठबंधन कहेंगे, अब ऐसे गठबंधन होता, हम बैठे, हम बुजुर्ग आदमी, हम बैठे घर पे, हमसे पूछो, हमसे आए लो, फिर गठबंधन। अब 2 महीने से अखिलेश हाथी का गोबर लेकर घूमे हैं, हाथी का गोबर लेकर के घूम रहे, ये आपने जैसा बताया, लेकिन घर में उनके एक और बुजुर्ग, बुजुर्ग माने अखिलेश जी के लिए बुजुर्ग ही है, शिवपाल चाचा भी थे, लेकिन वो तो अलग लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, कितने नाराज या कितने दुखी हैं इस बात से? बिल्कुल, शिवपाल जी तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सपा बसपा का गठबंधन हो, बहुत नाराज हुए। तो उन्होंने कहा, सुना है गठबंधन कर लिया है बुआ बबुआ, है अच्छा है, ठीक है, नए लड़के हैं, करते हैं अपनी मर्जी से, हैं हमें तो कुछ जानकारी नहीं है, हमें भी आपके चैनल से मालूम हुआ, जानकारी हुई, संज्ञान में आया, हैं अब ये है, यही चल रहा है, हमें तो गेस्ट हाउस कांड हम नहीं भूल सकते हैं, अब भूलने वाले भूल रहे हैं, हैं 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 शिल्पी, हैं
सीरियस नोट पर अगर हम बात करें तो क्या आपको स्थिति लगती है आपकी पार्टी यानी जिसके लिए आप प्रचार कर रहे हैं बीजेपी जिसमें आप हैं उसको चुनौती मिल रही है कहीं कहीं? नहीं, बिल्कुल चुनौती नहीं मिल रही, बिकॉज जनता को भी पता है कि स्वार्थ का गठबंधन है और इनके दिल नहीं मिले हैं, मजबूरी में साथ खड़े हैं। हाँ, दिल नहीं मिले हैं, दल मिले हैं, मजबूरी में साथ खड़े हैं। और कांग्रेस भी साथ नहीं आई या ये साथ में नहीं लाए, तो अभी ऐसा कोई गठबंधन है नहीं, तो बिखरा हुआ टूटा सा है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन एक चुनौती और आ गई है और उस चुनौती का नाम है प्रियंका गांधी। प्रियंका की एक बहुत अच्छी खूबी है जिसको मैं भी मानता हूँ, सब लोग मानते हैं, कि उनकी शक्ल जो है, उनका फेस उनकी दादी से मिलता है, इंदिरा जी से। तो लेकिन यही वजह तो नहीं हो सकती कि कोई पॉलिटिक्स में आए शक्ल मिलने से। ऐसे तो मैं आपको बताऊँ शिल्पी, मेरी पत्नी की शक्ल मायावती जी से मिलती है। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चुनाव लड़ें या प्रचार करें, है ना। लेकिन प्रियंका वैसे मैं उनको बात करते देखता हूँ तो बड़ी मुझे सभ्य सी और बड़ी सीधी सी और सादगी वाली लगती हैं। तो मुझे लगता है कि उनका ये चुनाव राजनीति से ऐसा कोई संबंध नहीं है, वो या तो ज़बरदस्ती कर रही हैं, उनका उनका ये काम नहीं लगता। तो वो एक दो बच्चे हैं उनके प्यारे से, तो वो एक अच्छी गृहिणी लगती हैं और उनकी कार्यशैली से लगता है कि जैसे वो ज़बरदस्ती लोगों के बीच जा रही हैं। लेकिन लेकिन अपने भाई के लिए वो कर रही हैं मेहनत, राहुल के कैंपेन को आगे ले जाने के लिए। और राहुल गांधी हमेशा से आपकी पसंद रहे हैं, कम से कम कॉमेडी में हमने देखा है। राहुल को आगे ले जाने के लिए अगर आती तो राहुल के लिए एक सीट ला के देती पक्की, बनारस से लड़ती, तब तो लगता कि राहुल के लिए खड़ी है, है ना। क्योंकि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति के सामने खड़े होने के लिए और कोई तो नज़र आ नहीं रहा है, तो प्रियंका को खड़ा होना चाहिए था। तो वहाँ तो उन्होंने राहुल की मदद नहीं की। और प्रियंका जी की एक बात सुन के और मैं बड़ा हैरान हुआ कि बीच में वो गई थी अयोध्या और अयोध्या जाके भी वो रामलला के दर्शन नहीं किए, राम मंदिर नहीं गई। उसका कारण उन्होंने बताया कि राम मंदिर का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, तो विवादित है क्योंकि केस चल रहा है। तो मैंने कहा जी ऐसे तो आपके पति का मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है, तो फिर घर जा रही हो कि नहीं? घर तो जाना ही पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, आपका हमेशा फेवरेट हमने देखा है। अगर आप राजनीतिक शख्सियतों पर आप कुछ सुनाते हैं तो राहुल गांधी ज़रूर होते हैं। अब क्यों हैं? क्योंकि पूरी जनता उनको किस तरह से देखती? वैसे हंसाने में देखिए कुछ लोगों का कहना है, हम जब यहाँ आ रहे थे, कि हंसाने में राहुल गांधी देश को आपको टक्कर दे सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। बिल्कुल, हमारा काम लालू जी बहुत करते हैं और स्टैंड अप कॉमेडी का काम, और राहुल जी की बातों पे भी लोग खूब हंसते हैं, तो अच्छी बात है, लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पेट पे तो लात ना मारें, हैं, स्टैंड अप कॉमेडी ना करें, नहीं तो उनकी भी कहीं बुकिंग ना शुरू हो जाए। कि अभी ये राहुल गांधी ने जो कुछ उल्टा बोला प्रधानमंत्री जी के लिए, वो तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर हो गया उससे कि आज पूरे देश में लोग खुद से आगे बढ़ के गर्व के साथ कह रहे हैं मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। हर कोई कह रहा है मैं भी चौकीदार हूँ। अब इसका जवाब कांग्रेस को मिल नहीं रहा है। हड़बड़ाहट में सोनिया जी के मुँह से निकल गया मैं भी जमानत पे हूँ, राहुल बोले मैं भी जमानत पे हूँ, वाड्रा बोले मैं भी जमानत पे हूँ, लालू प्रसाद बोले पहले हमारा जमानत करवाओ। साथ में उन्होंने ये भी कहा लालू जी ने, हम कोई मामूली आदमी हूँ, हम स्पेशल आदमी हूँ, हम वही जेल के अंदर बंद हूँ जो जेल का हम कभी उद्घाटन किए थे। सो एक और मीटिंग मैंने अटेंड की
राहुल गांधी की, वो किसानों से कह रहे थे वो बाँह चढ़ाते ना जी, सामने नहीं देखते इधर उधर देख के बात करते हैं, पब्लिक इधर है, उनका स्टाइल है, स्टाइल वही पब्लिक को नहीं देखते। देखो भैया आप हमें वोट दीजिए, किसान भाइयों आप हमें वोट दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपके खेत पक्के करवा दूंगा, आपके खेतों में टाइल्स लगवा दूंगा, फिर आपके खेतों में पानी भी नहीं भरेगा, आपके पैरों में मिट्टी भी नहीं लगेगी, जनता बोली, और फसल भी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है राहुल गांधी आपके निशाने पर हैं, लेकिन एक बात अभी आपने कही, चौकीदार, पूरा देश एक तरह से चौकीदार खुद को कई लोग कहने लगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर इस चीज़ की चौकीदारी आपका, हर एक को अपने अपने प्रोफेशन में सजग रहना होगा और देखनी होगी कि वहाँ कोई भ्रष्टाचार ना होने पाए, कोई किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, तो वो शख्स अपने प्रोफेशन में चौकीदार हुआ। जैसे डॉक्टर्स ये तय कर लें कि भाई हम हर मरीज़ को बराबर ट्रीट करेंगे, कोई VIP या ऐसा कुछ नहीं होगा, और तो डॉक्टर भी चौकीदार हो गया, है ना। हमारी जो सेना खड़ी है पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, वो भी एक किस्म की चौकीदार है, देश की रखवाली कर रहे हैं वो लोग, तो मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी सर हर एक पे नज़र रखता हूँ। जिसका घोटाला समझ में आया, जिस नेता का या अखबार से पता चला इसने खाया है पैसा या ये किया है, तो बस हम तैयार हो जाते हैं कि इसकी अपनी कॉमेडी में तो हम ऐसी तैसी करेंगे ही, जो मेरे हाथ में है वो तो मैं कर ही सकता हूँ, उसके लिए तो मुझे ना फंड चाहिए और ना कोई सब्सिडी चाहिए, बस पता चल जाए कि फलाना आदमी इस स्कैम में है तो हम शॉल में लपेट के जूते मारने शुरू कर देते हैं, तो हम भी चौकीदार हैं अपने प्रोफेशन में। आपको क्या लगता है, जैसे 2014 में चाय वाला था, इस बार 2019 में चौकीदार वही काम करेगा आपकी पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, क्योंकि उनके नाम पर ये कैंपेन? मोदी जी का बहुत अच्छा चल रहा है और सबने, पूरे देश ने तय कर लिया है कि मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, और ये बनारस का रोड शो देख लें, कोई भी उनके कार्यक्रम आप देख उठा के देख लें, ऐसा लगता है कि वो सभा नहीं हो रही, मीटिंग नहीं हो रही, ऐसा लगता है कि जैसे विजय उत्सव मनाया जा रहा है। तो मैं भी बहुत जगह गया घूमने, प्रचार करने, लोगों से मिलने, तो उड़ीसा, बीच में उड़ीसा गया था, तो हर जगह से कोई नई बात होती तो मैं ले आता हूँ उसको, वो बात में हमें दिखाई पड़ती है। हाँ, जैसे उड़ीसा में हम हेलीकॉप्टर से उतरे किसी गांव में, तो कुछ महिलाएं जो खड़ी थी मुझे देख के तो डर गए, यार क्या हुआ, ये नाराज़ हैं क्या, चिढ़ा रही हैं क्या है, तो बच के निकल गए। आगे देखा वो फूल लेके आ गई, इस बार तो 15-20 थी और सब एक साथ, तो मैंने वहाँ के एक लोकल आदमी से पूछा, हमने भाई क्या क्या बात हो गई है सर, क्यों कर रही हैं, सब ठीक तो है? कहने लगे ये आपका स्वागत कर रही हैं, ये इनका स्वागत का तरीका है, तरीका है उनका, ट्रेडिशन है। तो बड़ा आनंद आया। तो एक और कोई रैली जा रही थी पटनायक जी की, तो वहाँ भुवनेश्वर में रोड शो हो रहा था, तो एक को मैंने पूछा, हमने कहा आप ये रोड शो क्यों कर रहे हो, आप जीप के ऊपर चढ़े हो? दादा रोड शो करने से ना हर एक के घर में झांक सकते हैं किसके घर में क्या पक रहा है कौन क्या कर रहा है, इसलिए हम लोग रोड शो करता है। चलिए, आपको जवाब भी ऐसे ऐसे मिलते हैं, लेकिन आपने उड़ीसा की बात कर दी, बंगाल भी आप गए थे, बंगाल में ममता दीदी ने कहा है कि मिट्टी के रसगुल्ले प्रधानमंत्री जी को खिलाएंगी, मोदी जी को, आपको क्या लगता है कि अब नेता भी इस तरह के बयान दे रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि इस तरह का पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए, दुश्मन तो नहीं है और एक शिष्टाचार तो बना रहना चाहिए, भले वो मिट्टी के लड्डू ना जी, मिट्टी के लड्डू भेजें, लेकिन मुझे लगता है यहाँ तो हम लोग
मिट्टी के रसगुल्ले, तो मिट्टी के रसगुल्ले की जगह फिर हम लोग तो भाई वैसा कर नहीं सकते, वो दीदी हैं आफ्टर ऑल, दीदी जब नाम होता है तो हमें सम्मान करना होता है, तो भले वो मिट्टी रसगुल्ले भेजें, हम उन्हें लिट्टी लिट्टी का रसगुल्ला भेजेंगे, लिट्टी चोखा। सभी लोग एक एक करके सभी राजनीतिक शख्सियतें आपके निशाने पर आती हैं और आप कहीं ना कहीं उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनकी कोई ना कोई बात निकालते हैं। केजरीवाल जी के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी उनकी भी कुछ स्टाइल ऐसी है कि लोग अलग से उनको देखते हैं। देखिए, आप पार्टी जो है, आप पार्टी के बारे में मुझे लगता है किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन ने 35-40 साल पहले कह दिया था, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, 40 साल पहले तो पहले कह दिया था, उनको मालूम था आप नाम की पार्टी आएगी, उन्होंने पहले कह दिया था, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना पराया माल अपना, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना पराया माल अपना, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो और नजर आते हैं। चोर नहीं बोलना चाहिए किसी को, है ना, चोर बोलो तो फिर कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि निशाने पर जिस तरह से सभी शख्सियतें हैं, राजनीतिक शख्सियतें, और ख़ासतौर पर जब बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी नेता भी हम उन्हें कह सकते हैं, बीजेपी नेता चौकीदार राजू श्रीवास्तव जी, तो इसी तरह के रंग देखने को मिलते हैं जो अभी हम प्रचार में देखेंगे भी। अब देर हो रही है आपको तो चला जाए, लेकिन हम बात रास्ते में भी बात करेंगे और बात करेंगे मोदी लहर की, और राजू श्रीवास्तव के बारे में भी कुछ जानेंगे कि किस तरह से वो इस फील्ड में आए और राजनीति को कैसे देखते हैं। आइए चलते हैं। चौकीदार राजू श्रीवास्तव अपनी पार्टी यानी बीजेपी के लिए प्रचार करने निकल पड़े हैं। अभी हम जाएंगे राजाजीपुरम, जैसा हमको बताया गया, और वहाँ पर राजू श्रीवास्तव जी वोट मांगेंगे गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी के लिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जनता से अपील करेंगे। जैसा आप जा रहे हैं, लखनऊ है, नवाबों का शहर है, राजाजीपुरम पुराने मोहल्ले में आप जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है आपके आपको अपने पाकर के लोग ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी बात को सुनते हैं, या पहले कहते हैं नहीं वो करके दिखाइए, वो जो आपने उस नेता की नकल करके दिखाइए? ये तो होता है, कलाकारों के साथ ये होता है, जब वो राजनीतिक मंच पे जाते हैं तो जिस चीज़ से वो जाने जाते हैं तो लोग वो सुनना चाहते हैं, चाहे हेमा मालिनी हो, मंच पे आएंगी तो उनको बसंती वाला सुनाना पड़ता है, शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश बोलना पड़ता है, आजकल वो खुद खामोश है। शत्रुघ्न सिन्हा पे एक बहुत अच्छी बात मैंने कही थी कि इतने इनको खामोश बोलने की आदत है, एक दिन हम जा रहे थे तो मैंने इनको देखा कि कब्रिस्तान में खड़े होकर कह रहे थे खामोश। धर्मेंद्र जी ने भी बहुत स्टाइल में वोट मांगा था हेमा जी के लिए। हाँ, नहीं, धर्मेंद्र तो खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं बीकानेर से, तो जाहिर है कि वो उनका शोले वाला डायलॉग फेमस है, मैं मथुरा वालों, अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो कसम से कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, सुसाइड, तो उनका उनका डायलॉग एक हिट है, उसका यूज़ वो करते रहे हैं 10 साल से, जब वो सांसद थे तब भी वही बोलते थे, और या लोग भी सुनना भी चाहते हैं, तो इस तरह से है। आप देश भर में गए हैं, आपने बताया अलग अलग जगह अलग अलग राज्यों में, मोदी जी की लहर के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, सुनामी कहना ज़्यादा उचित होगा, और मतलब मोदी जी की लोकप्रियता का असर ये है कि मैंने तो सुना है लखनऊ में कई मदरसों में कुछ होंगे भाई टीचर दूसरी पार्टी के भी होते हैं, कुछ जो मौलवी हैं वो कांग्रेसी होंगे, वो उन्होंने गिनती और पहाड़ा चेंज कर दिए हैं, अभी गिनती देखिए 51, 52, 53, 54, 55, 56 होता है ना, हाँ, मगर वो 56 नहीं पढ़ाते हैं, वो कहते हैं 56 बोलते हैं तो बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं मोदी मोदी मोदी, क्योंकि सबको पता है 56 इंच का सीना,
तो हमने कहा यार पढ़ाई तो मत चेंज करो, बच्चे भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं। अभी पहाड़ा, हम लोग पहाड़ा कैसे याद करते थे बचपन में, अब देखिए 7 का पहाड़ा है, 7×8=56। लेकिन वो पढ़ा रहा है मौलवी 55, कह रहा कि 56 बोल तो मोदी जी को वोट देने लगते हैं। तो यानी पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। पढ़ाई पे भी बहुत असर पड़ा है। अच्छा ये बताइए, जैसा हमने कहा शुरू में बहुत सारे कलाकार इस बार चुनाव मैदान में हैं, वैसे तो हर बार होते हैं, लेकिन देखा जाए तो चाहे सनी देओल की बात करें या उर्मिला की बात करें या उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो जया प्रदा हैं, हेमा मालिनी हैं, यहाँ तक कि रवि किशन और निरहुआ भैया भी आ गए हैं। तो अब आपको लगता है कि जो इम्पोर्टेंट सीट्स है, क्योंकि ये सभी बहुत हाई प्रोफाइल सीट्स से लड़ रहे हैं, उनमें कलाकारों को लाने का ये जो चलन है, आपको लग रहा है बहुत सीरियसली कलाकारों को लिया जाता, क्या इसकी वजह मानते हैं कि कलाकार इतनी हाई प्रोफाइल और इतनी गंभीर सीटों से लड़ रहे हैं जो राजनीतिक रूप से गंभीर सीटें हैं? फर्स्ट टाइम ये लोग अपने चेहरे के बल पे और अपनी लोकप्रियता के बल पे, जो बॉलीवुड का जो स्टैम्प है तो उसके बल पे ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। फैंस फर्स्ट टाइम तो वोट दे देते हैं। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, अगर कोई सेलिब्रिटी दोबारा जीता है तब तो उसने काम किया होगा, तो ही उसको वोट दिया है जनता ने दोबारा। वैसे तो आप प्रचार कहाँ करेंगे ये पार्टी तय करती है, अभी रवि किशन या निरहुआ के लिए प्रचार का मौका मिला है क्या आपको? निरहुआ से तो एक दो मुलाकात है मेरी, और भोजपुरी फिल्म मैंने उस तरह से देखी नहीं है, लेकिन मैंने तारीफ सुनी है निरहुआ की, कि इज़ अ वेरी नाइस मैन। और जब भी मुझे मुंबई में निरहुआ मिला तो हम लोग बहुत प्यार से मिले, और उसने भी बड़ा बड़े भाई का मुझे सम्मान दिया। तो अगर वहाँ से ऐसी खबर आती है उसको ज़रूरत होगी तो मैं निरहुआ के लिए जाऊँगा, और हो सकता है उसने माहौल अपने दम पे अच्छा बना लिया हो तो ज़रूरत ना पड़े। हमें उन्हीं सीटों पे भेजा जा रहा है जहाँ आवश्यकता है या उम्मीदवार ने मांगा है। रवि किशन से ज़रूर दोस्ती है तो वहाँ गोरखपुर तो मैं जाऊँगा ही। राजाजीपुरम हम पहुँच गए हैं बस सभा स्थल पर, अब राजू श्रीवास्तव जी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है जल्दी से पूछ लेती हूँ कि अब आप नेता भी हैं तो आपके पॉलिटिकल लाइफ पर, पॉलिटिकल जीवन पर किस शख्सियत का प्रभाव है सबसे ज़्यादा, किस राजनीतिक शख्सियत का? मैं जब कानपुर में था तो बहुत छोटा सा था, जो स्कूल जाते थे तो तब टेलीविज़न वगैरह तो था नहीं, तो इंदिरा गांधी जी को रेडियो पे सुनता था उनकी स्पीच, और फिर उसी तरह की कॉपी करके मैं अपने दोस्तों को सुनाता था, स्कूल में भी सुनाता था। बट मुझे डायनेमिक लगती थी इतनी कि फिर कहीं से फ़ोटो ढूंढ के ले आया था उनकी, और घर में लगा रखी थी फ़ोटो भी उनकी। और उसके बाद जो बड़ा हुआ, होश संभाला, तो फिर तो अटल जी का मैं दीवाना हो गया। और अटल जी का ये लखनऊ अटल जी को इस चुनाव में भी बहुत याद कर रहा है, क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव है जब अटल जी की सिर्फ यादें साथ हैं। ये जो हो रही है ये अच्छी बात नहीं है, पारदर्शिता की आवश्यकता है। आत्मलोकन की आवश्यकता है। ये जो हो रही है ये अच्छी बात नहीं है। मैंने बात कही उनसे, मैंने जिनेवा सम्मेलन में कहा ये जो हो रही है ये अच्छी बात नहीं है। अकेले में क्या गुनगुनाते हैं अगर हम आपको कहें? राजू चल राजू अपनी मस्ती में तू, खुश रहे सब हंसे चल जाए जादू। राजू चल राजू अपनी मस्ती में तू। अब हम सभा स्थल पर पहुंच गए हैं, देखते हैं राजू श्रीवास्तव जी कैसे लोगों से वोट की अपील करते हैं।
ये थे दंगल के सितारे राजू श्रीवास्तव, जो अपने ही अंदाज में लोगों से अपनी पार्टी बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। गठबंधन हो या कांग्रेस, राजू श्रीवास्तव अपने अलग अंदाज में सब पर निशाना साध रहे हैं और राजू का मानना है कि इस बार मोदी की लहर नहीं, सुनामी है। अपनी बातों से लोगों को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव अपनी राजनीतिक भूमिका में भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन रंजीत चटर्जी के साथ लखनऊ से शिल्पी सिंह।